बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबर पर। खबर लखनऊ से है, जहां वरिष्ठ जन नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन सप्रू मार्ग लखनऊ स्थित उद्यान भवन के सभागार में संपन्न हुआ है। बता दें कि कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिओम IS मुख्य सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथियों सर्व हर्षवर्धन और SGPGI व डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, श्यामपाल सिंह, RK चतुर्वेदी, अशोक कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया है। बताते चले कि कार्यक्रम का संचालन रश्मि मिश्रा ने किया है और इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपद समितियों से आए हुए 85 वर्ष से अधिक आयु के 10 वृद्धजनों को शॉल ओढ़ा करके व प्रतीक चिन्ह दे करके मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों महासमितियों के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित कर वृद्धजनों के सम्मान एवं कल्याण की समिति की भावना को मूर्त रूप किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश का महासचिव हूं और हम लोगों के लगातार और हम लोगों की समिति के महासमिति के साथ पूरे प्रदेश की लगभग 50 समितियां संबद्ध हैं। हमारे में इंडिविजुअल मेंबरशिप नहीं होती, सिर्फ वरिष्ठ नागरिक समितियां ही हमारी सदस्य बन सकती हैं और जिसमें से लगभग 18 से 20 समितियां स्थानीय हैं और बाकी 30 से ज़्यादा समितियां हमारी प्रदेश के दूसरे जनपदों से हैं और दूसरे जनपदों के लोग भी यहाँ पर आए हैं, फैजाबाद से, आजमगढ़ से, तमाम जगह से लोग आए भी हैं। तो हम लोग महासमिति के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से वो कार्य जो वरिष्ठ जनों के हित में हैं जो नहीं किए जा रहे हैं। अब कानून बना माता पिता भरण पोषण कानून और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून, लेकिन उस कानून के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। 2007 में भारत सरकार ने बनाया, 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पास किया, 2014 में उसकी नियमावली बनी, 2016 में उसकी जो है वो नीतियाँ बनी, वो भी सब हम लोग बना बना के दे रहे हैं। अब नीतियों के हिसाब से 75 जिलों में वृद्धाश्रम होने चाहिए, वृद्धाश्रम तो बन गए लेकिन उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि उसकी एक व्यवस्था बने। हमारी जो विभिन्न जनपदों में समितियाँ हैं वो समितियाँ उसको मॉनिटर करें। अभी जो है जिसको एक एक आदमी के पास 6-6 जिलों की वृद्धाश्रम चल रहे हैं, एक आदमी 6 जिलों में वृद्धाश्रम कैसे चलाएगा? वो तो व्यापार करेगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये करना चाहेंगे कि जो हमारी विभिन्न जनपदों में समितियां हैं उसके जो पदाधिकारी हैं उन वृद्धाश्रमों को मॉनिटर करें और जो उन जनपदों में वृद्धों की समस्याएं हैं उनको उस जिले का SDM उसके पास पावर होती है। तो हमारी सोसाइटी का जो नुमाइंदा है, जो पदाधिकारी है, उस जनपद में उस समस्या के समाधान के लिए उसको नॉमिनेट किया जाए। लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं, समस्याएं 2.5 करोड़ की नहीं है लेकिन समस्याएं तो हर जनपद में पैदा होती है ना। अब जैसे उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी ने उसके नाम उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, अब उसको खाना नहीं दे रहा, पीना नहीं दे रहा, घर से निकाल दिया, तो उन्होंने संपत्ति तो हरियाली लेकिन उसको नहीं, तो उसको ये नहीं मालूम है कि ऐसी दशा में कानून में ये प्रावधान है कि वो अपनी रजिस्ट्री को चेंज कर सकता है, वो रजिस्ट्री कैंसिल कर सकता है। तो ऐसा प्रावधान लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग उसके प्रति जागरूक हों और सरकार से हम बराबर ये प्रावधान कर रहे हैं कि हर जिलों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक बोर्ड लगाएं, एक बैनर लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि सरकार उनके लिए क्या क्या फायदे दे रही है। दूसरी चीज, सरकार के बहुत से विभागों को ये पता ही नहीं कि उनको वृद्धों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए, तो कैसे देंगे? तो ये जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक नहीं समझ में आएगा। यही तो हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के लाए, इसलिए तो हमने उनसे कहा है कि आप ऐसा करो। हम लोग पत्र भेजते हैं, उसके जवाब नहीं आते। हमारे संगठन द्वारा ये किया जा रहा है कि सभी जनपदों में जो हमारी समितियाँ हैं उनके साथ लगातार हम पत्राचार करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में आकलन करते हैं, उनको क्या दिशा निर्देश देने वो हम उनको देते हैं कि ऐसे लेकर के अपने अपने जिले में उस डिपार्टमेंट से या उस नोडल अफसर से मिलो। उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ।